The midnight of August 14, 1947, symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. 1947, हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ हमारा देश दो टुकड़ों में बट गया। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर का हिस्सा कटकर वेस्ट पाकिस्तान बना, और वहीं दूसरी तरफ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा कटकर ईस्ट पाकिस्तान बन गया, जिसका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल, आज हम इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 क्यों और कैसे हुआ, बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ, सिमला एग्रीमेंट क्या था। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, सो लेट्स बिगिन। पार्टीशन के बाद वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के साथ व्यावहारिक, राजनीतिक या फिर आर्थिक किसी भी तरीके की मदद देने से बचता था। वहां के जनता के लिए ना ही कोई काम, ना ही कोई डेवलपमेंट। ऐसे में ईस्ट पाकिस्तान की जनता वेस्ट पाकिस्तान की सरकार से हमेशा भड़की हुई रहती थी। लेकिन ये नाराजगी देखी 1970s में, जब 1971 में पाकिस्तान इलेक्शन के बाद वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकर अली भुट्टो की पार्टी जीती और ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग की जीत हुई। उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग के लिए आंदोलन की और ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करने की भी मांग की। वहीं आवामी लीग ने फेडरेशन की मांग की, लेकिन पाकिस्तानी रूलर इन मांगों को साफ नकार दिए। और इतना ही नहीं, शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तानी आर्मी ने अरेस्ट कर लिया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर आतंकवादी हमले भी किए गए। एंड हेंस पीपल स्टार्टेड स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन बढ़ते आतंकी हमलों के कारण लगभग 80 लाख रेफ्यूजी ने इंडिया में शरण ले ली। ये इंडिया के लिए एक भारी समस्या बन गया। वहीं पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर इंडिया पे आरोप लगा दिया कि इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जिसने 500 से भी अधिक रियासतों को जोड़कर अखंड भारत बनाया था, वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने उसी भारत के टुकड़े कर दिए, आज वही बोल रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। वाह, हद है। मगर फिर क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान की स्थिति की जानकारी अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन को दी। अमेरिका समझ गया कि युद्ध कभी भी हो सकता है। इंडिया भी इस बात से वाकिफ था, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया जीते, क्योंकि अमेरिका को लगा इंडिया जीतेगा तो सोवियत यूनियन का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। नतीजा वही हुआ, पाकिस्तान ने इंडिया पर 3 दिसंबर 1971 को हमला कर दिया। लेकिन इंडिया इस युद्ध के लिए पहले से तैयार था। युद्ध के दौरान पाकिस्तान को US, चाइना, UK और बाकी देशों ने भी मदद की। वहीं इंडिया के साथ सोवियत यूनियन अकेले खड़ा हुआ, क्योंकि अगस्त 1971 में इंडिया और सोवियत यूनियन ने एक पीस ट्रीटी साइन की थी, जिसमें सोवियत यूनियन अगले 20 साल तक इंडिया को किसी भी अटैक से बचाने का वादा किया था। और अंततः सोवियत यूनियन की मदद से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। और ईस्ट पाकिस्तान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AAK नाइजी ने इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया। और ये जीत केवल पाकिस्तान पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया ने ये मैसेज पहुंचाया कि पूरी दुनिया मिलकर भी इंडिया का अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर 16 दिसंबर 1971 को एक खबर पूरी दुनिया भर में फैली, मुबारक हो बांग्लादेश हुआ, और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। वहीं इसी युद्ध के अंत में इंडियन फोर्सेस ने लाहौर के अंदर तक घुसकर लगभग 15,010 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन हम तो इंडियन हैं। फिर 3 जुलाई 1972 इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच एक अग्रीमेंट साइन किया गया, और उस अग्रीमेंट का नाम था सिमला एग्रीमेंट। और इस अग्रीमेंट के तहत हमने लाहौर वापस कर दिया एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल, और कश्मीर की टेरिटरी दोनों तरफ से रिटेन की गई और लाइन ऑफ कंट्रोल को फिर से डिफाइन किया गया।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।